के खिलाफ विद्युत चलाया जा रहा अभियान के तहत एक बार फिर मंदसौर के निकट गांव खिलचीपुरा में देखने को मिला। आपको बता दें कि मंदसौर जिला प्रशासन द्वारा शासकीय जमीन पर कब्जा कर बनाए गए अवैध निर्माणों को जमींदोज करने की बड़ी कार्यवाही की गई। गौरतलब है कि आज अलसुबह मंदसौर जिला प्रशासन ने शहर के निकट गांव खिलचीपुरा में सरपंच की बहन के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। बताया जा रहा है कि सरपंच इकबाल की बहन मुमताज बी के नाम से शासकीय जमीन पर फर्जी पट्टा बनाकर दो मंजिला आलीशान मकान बना दिया, जो पूरी तरह अवैध बताया जा रहा है। इस घर में अवैध तरह से बाहरी लोगों की निजी संस्था के तहत स्कूल भी संचालित कर रही थी। अवैध निर्माण की शिकायत प्रशासन को मिलने पर मंदसौर प्रशासन ने जांच रिपोर्ट के मान से आज सुबह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्यवाही की। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरपंच इकबाल की भूमिका पूरे मामले में संदेह के घेरे में दिखाई देती है, जो पद का दुरुपयोग किया गया है। स्टार 24 न्यूज के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ग्राम खिलचीपुरा में शासकीय भूमि है, जिस पर एक स्कूल का निर्माण कर लिया गया था और ये दो मंजिला मकान का निर्माण था, जिसे विधिवत सुनवाई करके आज आदेश के बाद डिसमेंटल किया जा रहा है। और इस प्रकार से जो भूमि माफिया द्वारा अतिक्रमण किए जा रहे थे, उस पर एक ये कार्रवाई की गई। इस पर कोई निजी संस्था जो अपना स्कूल चला रही थी और उससे जो जितने मकान बनाया था उस पर हजारों रुपया किराया भी वसूल कर रहे हैं। इस प्रकार शासकीय भूमि पर वसूली का काम किया जा रहा है, ये देखने की बात है और जांच का विषय है जो पुलिस द्वारा किया जाएगा। अब हम तो हमारे जो शासकीय भूमि पर कार्रवाई की जाना है भूमाफियाओं से छुड़ाने का, और शासन के हित में हम भूमि प्राप्त कर, इसका भी अब अनुमानित खुद नहीं निकाल करके हम बताएं। वो प्राइवेट स्कूल है और कहीं शिफ्ट हो जाए। मेरा नाम मोहम्मद आजाद है। हाँ, मैं ये इस तरीके से देखता हूँ इस कार्रवाई को कि सन 1999 में ये मकान जितने भी इस पट्टी में है यहाँ से लगा के वहाँ तक, क्या ये नहीं तोड़े जा रहे और सिर्फ मेरा एक गरीब आदमी का ही मकान तोड़ा जा रहा है? और मैं हमाली करता हूँ, एक मजदूर आदमी हूँ, मेरे चार बच्चे हैं, तीन लड़के एक लड़की, और मुझसे पटवारी द्वारा 30 लाख रुपए मांगे गए। मैं रात दिन बोरिया तोकता हूँ, इसलिए मैं 30 लाख रुपए नहीं दे सका। तो मेरे मुझ गरीब आदमी का मकान तोड़ा गया। अगर तोड़ना चाहे तो सबके ही मकान तोड़े जाए, मुझे गरीब आदमी को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? पटवारी का नाम मुझे मालूम नहीं सर, क्या